तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है सिनी ब्लूम फिल्टर के ऊपर। तो गाइस इस फिल्टर को यूज़ करके हम अपने हाइलाइट्स को और स्किन टोन्स को काफ़ी ड्रीमी एंड स्मूथ लुक देते हैं गाइस, तो जिससे पूरी फोटो एक सिनेमैटिक लुक ले लेती है। तो गाइस आज इस फिल्टर इफेक्ट को हम लाइटर में क्रिएट करना सीखेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बेसिक सेटिंग कर लिया गाइस, मैंने एक्सपोजर ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया क्योंकि ओवरऑल एक्सपोजर काफ़ी ठीक था, बट मैंने हाइलाइट्स एंड वाइट्स को काफ़ी इंक्रीज किया है, तो उसे करने से काफ़ी ड्रीमी लुक मिल रहा है गाइस हमें हाइलाइट्स में। तो गाइस यहाँ पे मैंने वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर लिया गाइस। तो गाइस अब चलते हैं अपने इफेक्ट्स पैनल पे, जहाँ से हम वो ड्रीमी एंड सॉफ्ट लुक क्रिएट करेंगे। तो गाइस हमें इफेक्ट्स पैनल पे तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, बट हम यहाँ पर क्लैरिटी को एडजस्ट करेंगे। हमें जैसे पता है कि क्लैरिटी को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल आती है हमारी फ़ोटोज़ में, बट हमें वो सॉफ्ट एंड ड्रीमी लुक चाहिए तो हम अपने क्लैरिटी को कम कर देंगे गाइस। तो गाइस ज़्यादा भी कम नहीं करेंगे, एक ऐसे पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे हमें वो ड्रीमी एंड ज़्यादा सॉफ्ट लुक मिले। तो गाइस अगर आपकी फ़ोटो कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो जाए तो गाइस आप कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो गाइस, तो उससे थोड़ी बहुत डिटेल्स आपकी वापस आ जाएगी। तो गाइस अब हम बाकी एडजस्टमेंट भी फटाफट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपके फेस पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो गाइस आप सेलेक्टिव टूल में जाके रेडियल टूल से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस जो फेस पर एक्स्ट्रा लाइट थी गाइस हमने उसको रेडियल टूल से एडजस्ट कर लिया है, एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बैकग्राउंड में लाइट सोर्स है उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट आए और ज़्यादा वो ड्रीमी लुक दे तो गाइस आप सेम रेडियल टूल से उसको एडजस्ट कर सकते हो।
तो गाइज़ अब हमने ओवरऑल एक ड्रीमी एंड मोर सिनेमैटिक लुक अचीव कर लिया गाइज़, एंड अब आप अपनी और फोटोज़ में भी ये लुक अचीव कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ।